क्रिस्टल्स आर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स. मैं इसके बारे में बार बार बात करती हूँ कि ये बहुत अच्छा एक नेचुरल सोर्स है चीजों को मैनिफेस्ट करने का, हील करने का. लेकिन इसमें शेप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. जो क्यूब शेप्स के क्रिस्टल्स आते हैं ये ग्राउंडिंग में, बैलेंसिंग में बहुत हेल्प करते हैं. इसी तरीके से जो पिरामिड शेप के क्रिस्टल्स आते हैं ये बेसिकली मैनिफेस्टेशन में एनर्जी को एलिवेट करने में हेल्प करते हैं. फिर कुछ क्रिस्टल्स आते हैं ऐसे जिसको हम बोलते हैं क्लस्टर. ये आसपास की एनर्जी और ज्यादा लार्ज एरिया को क्लीन करते हैं और अपने आसपास के क्रिस्टल्स को भी क्लेंस करते हैं, प्योरिफाई करते हैं. ये ज्यादा बड़े एरियाज के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं. इसको क्लस्टर बोलते हैं जिसमें इसमें बीच बीच में से कुछ निकलता है. कुछ क्रिस्टल्स होते हैं जो राउंड शेप के होते हैं. ये भी बेसिकली इमोशनल बैलेंसिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं. फिर एक कोनिकल शेप, एक पॉइंटेड पेंसिल जैसे क्रिस्टल्स होते हैं जो एनर्जी को डायरेक्टली डायरेक्ट करते हैं. यानी कि अगर आपको अपने स्टडी टेबल की तरफ, अपनी वर्क डेस्क की तरफ, अपनी तरफ एनर्जी डायरेक्ट करनी है, किसी और की तरफ करनी है, तो उस पॉइंट की तरफ उनको यूज कर सकते हैं. फिर कुछ क्रिस्टल्स होते हैं, रेयर होते हैं, लेकिन वो हार्ट शेप होते हैं, जैसे कि ये मेरे हाथ में. ये बेसिकली लव की एनर्जी और हीलिंग एनर्जी को रेडिएट करते हैं. तो यूज क्रिस्टल्स शेप वाइजली टू गेट द परफेक्ट रिजल्ट.